हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बची ऊन से बहुत ही सुंदर मफलर बनाएंगे। देखने में बहुत ही सुंदर है, इसमें वूल भी बहुत कम लगती है। इसमें अप्रॉक्स 135 ग्राम वूल लगी है और इसमें मैंने 3.75 mm का हुक यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जितनी भी बची हुई ऊन है उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि हम एक बहुत ही सुंदर मफलर बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये टिक्की बनाएंगे। पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे, फिर 6 चेन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर जो फर्स्ट चेन लगाई थी हमने, वहाँ पे हम ये इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लगाएंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस रिंग में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल हम 16 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने 16 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। तो जहाँ पे हमने चेन लगाई थी वहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। फिर 3 चेन लगाएंगे। अब हमने पफ स्टिच बनानी है। पफ बनाना है तो हम उसके लिए ऐसे ये लूप लिया, 1, फिर लूप लिया, वहीं पे डालेंगे हम 2, फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे डालेंगे हम 3, फिर लूप लिया, फिर वहीं पे डालेंगे हम 4। तो सब में इकट्ठा निकाल देंगे। लास्ट में दो हमारे पास फंदे रह गए, तो 2, उसके बाद हम 1 कर देंगे। इस तरह से कर देंगे। फिर हम 4 चेन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। फिर लूप लिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिए पे हम इस तरह से करेंगे 1, फिर लूप लिया, वहीं पे हम करेंगे 2, इस तरह से। फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिए पे हम इस तरह से हम करेंगे, फिर लूप लिया, फिर हम वहीं पे, ये आ गया 4th। 4 हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद सब में इकट्ठा निकालेंगे, ये 2 का हम 1 कर देंगे। फिर 1, 2, 3, 4 लूप लिया, यहाँ पे हम डालेंगे सिंगल क्रोशिया पे, ये हमारे पास 3 हो गए। फिर लूप लिया, फिर वहीं पे डालेंगे हम, फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे करेंगे हम इस तरह से। फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट वहीं पे डालेंगे हम। तो फिर यानी 2 बार एक सिंगल क्रोशिया में डालना है, फिर 2 बार हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे डालना है। फिर इस तरह से इकट्ठा निकालेंगे, 2 का हमें 1 कर देंगे। फिर 1, 2, 3, 4, फिर लूप लिया, यहाँ पे डालेंगे नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे। तो ये देखिए 3, तो हमारे पास ये 3 फंदे हो गए। फिर लूप लिया, फिर वहीं पे डालेंगे तो 5, फिर लूप लिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे डालेंगे हम इस तरह से। फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट उस पर डालेंगे, ये देखिए। फिर सब में इकट्ठा निकाल दिया, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच बन गई, 1, 2, 3, 4। 4 तो हमने बना लिए, इसी तरह से हम 8 बना लेंगे। फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने ये 8 बार बना लिया। तो 4 चेन लगाएंगे, यहाँ पे 3 चेन लगाई थी, तो लास्ट 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर जहाँ पे हमने ये 4 चेन लगाई, फ्रेंड जहाँ पे हमने ये 4 चेन लगाई थी वहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। 3 चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया, तो ये हमारे हो गए 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन लगाएंगे, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 बार डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लगाएंगे, फिर जहाँ पे 4 इस पफ स्टिच को छोड़ेंगे, जहाँ पे 4 चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन,
फिर जहाँ पे चार चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। दो चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। फिर दो चेन, फिर जहाँ पे चार चेन लगाई है वहाँ पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड, यानी 3 बार डबल क्रोशिया, दो चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर हमने दो चेन लगा के 3 बार डबल क्रोशिया किया, फिर दो चेन, फिर नेक्स्ट में हम 3 बार डबल क्रोशिया, दो चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। फ्रेंड ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद दो चेन लगाएंगे, जहाँ पे हमने 3 चेन लगाई थी लास्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कलर लगाएंगे। जहाँ पे हमने दो चेन लगाई थी वहाँ पे हम, जहाँ पे हमने दो चेन लगाई थी वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 3 चेन लगाएंगे, वहीं पे ही डालेंगे हम जहाँ पे 2 चेन लगाई थी, 2 बार डबल क्रोशिया, चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया तो ये हो गए हमारे 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर वहीं पे हम कर देंगे 3 बार डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम कोई चेन नहीं लगाएंगे, अब हम जहाँ पे डबल क्रोशिया है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये चेन है, ये दो चेन लगाई थी, यहाँ पे हम 1 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर ये हमारे 3 बार डबल क्रोशिया है तो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये चेन है तो यहाँ पे 1 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। कॉर्नर है जैसे, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, पहले ये 3 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पे हम कर लेंगे डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे भी हम कर लेंगे डबल क्रोशिया, यानी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया। अब जहाँ पे 2 चेन लगाई है वहाँ पे पहले करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर वहीं पे कर लेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया तो डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये चेन है तो यहाँ पे 1 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया हमारे, ये डबल क्रोशिया तो डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये सारा करते हम यहाँ तक आएंगे। तो ये डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर लास्ट में हमने जो 3 चेन लगाई थी लास्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हम सेंटर में आएंगे, जहाँ पे 2 चेन लगाई थी वहाँ पे हम 3 चेन लगा लेंगे, फिर वहीं पे करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम 3 बार डबल क्रोशिया, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है तो यहाँ पे हम करते हैं 3 बार। चेन को हमने डबल क्रोशिया में ले लिया तो ये 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया। एक राउंड हम डबल क्रोशिया का और कर लेंगे, तो हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया करना है।
ये देखिए फ्रेंड, हर डबल क्रोशिए के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। फ्रेंड ये हमारा कॉर्नर है, तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया। तो पहले जो तीन डबल क्रोशिया हैं वहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये चेन है हमारी, तो यहाँ पे हम पहले कर लेंगे तीन बार डबल क्रोशिया। ये दो चेन लगाई थी जहाँ पे हमने, वहाँ पे हम करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर वहीं पे करेंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया। इस तरह से आएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम ये सारा करते हम यहाँ तक आएंगे। हम लास्ट पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे जो तीन चेन लगाई थी तो लास्ट चेन में हम कर देंगे स्लिप स्टिच, एक चेन लगाएंगे, यहाँ पे हम बंद कर देंगे। ये टिक्की बनकर तैयार हो गई है। तो इसको अगर नापेंगे तो ये, तो फ्रेंड्स ये 4 इंच है। जितनी टिक्की हमें चाहिए मफलर के लिए हम उतनी बना लेंगे। फ्रेंड्स जितनी टिक्कियाँ मुझे चाहिए थी उतनी मैंने बना ली हैं। मैंने डिफरेंट, ये देखिए डिफरेंट कलर में मैंने ये जो टिक्की है वो बनाई है। अब इनको हम स्टिच करते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये बीच में वाइट साइड पे मैंने ब्लैक किया है। ये कलर आप, ये डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपने बीच में कौन सा कलर लेना है, साइड पे कौन सा कलर लगाना है। तो ये डिज़ाइन, ये कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये टिक्कियाँ जोड़ रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सीधी साइड हैं, ये दोनों टिक्कियाँ सीधी साइड हैं, तो हम इनको उल्टी साइड से जोड़ेंगे। इस तरह से उल्टा कर देंगे, तो उल्टी साइड से जोड़ेंगे। जहाँ पे हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, तो जहाँ पे चेन है तो हम वहाँ से जोड़ेंगे। अब डबल क्रोशिया को डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे हम। इस तरह से हम स्टिच करते हम यहाँ तक आएंगे। फिर हम लास्ट में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, जहाँ पे चेन है वहाँ तक हम स्टिच करेंगे। वहाँ तक हम स्टिच करेंगे, यहाँ पे हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम वूल को काट देंगे, सीधा करेंगे। तो फ्रेंड इस टाइप से हमारा ये स्टिच होगा। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमारा स्टिच होगा। तो इस तरह से हम ये सारी टिक्कियों को स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने सभी टिक्कियों को जोड़ लिया है। ये देखिए सभी टिक्कियों को मैंने जोड़ लिया है। इसमें जो कलर कम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, ये हमारा कॉर्नर है, तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन बार डबल क्रोशिया, जहाँ चेन लगाई है वहाँ पे हम इस तरह से चेन लगा लेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5 पांच चेन लगाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4 चार डबल क्रोशिया छोड़ के, पाँच में चार डबल क्रोशिया छोड़ के हम नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम पांच चेन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 1, 2, 3, 4 चार डबल क्रोशिया छोड़ कर नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यहाँ पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। हम ये जाल बना रहे हैं,
एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार, नेक्स्ट में हम कर देंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये करते हम यहाँ तक आएंगे, हम फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे जहाँ पे दो चेन लगाई थी, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ये डबल क्रोशिया है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये देखिए, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये सारे मफलर पे करते हुए हम ये दूसरी साइड पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे दूसरी साइड पे। फिर हम दूसरी साइड में पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ पे हम पांच चेन लगाएंगे, चार डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, तो नेक्स्ट इस स्पेस पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर पांच चेन लगाएंगे, फिर एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे हम डालेंगे सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे, तो इसी तरह से ये सारा करते हम यहाँ तक आएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये कर लिया, तो एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे भी इतने आए थे हमारे, एक दो तीन चार पाँच। तो अब हम यहाँ से फिर हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे हमने इस साइड पे किया था हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये डबल क्रोशिया करते हुए इस साइड पे जाके यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है, और साथ में फिर मैंने ये नॉट लगाई है। नॉट कैसे लगाई जाती है इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैंने जब मफलर पहले बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा मफलर बनकर तैयार हुआ है, वो भी बची हुई ऊन से, जिसको कि हम फेंक देते हैं या हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस होती है, हमारे लिए किसी काम नहीं आती, तो उससे हमने ये प्यारा सा मफलर बनाया है। इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स, जो इसकी लेंथ है वो 72 इंच है, 72 इंच है, और चौड़ाई जो इसकी है वो है 5 इंच के आसपास है। की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया है, तो आप यहाँ पे दो बार भी कर सकते हैं डबल क्रोशिया, तो इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।